हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, यानी 15 अगस्त यानी 15 अगस्त जो हमारे आज़ादी का महोत्सव होता है। तो सबसे पहले मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोगों को देना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे देशवासी हैं इस 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएं, और जितने भी एक्साइटेड हमारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट में प्लीज़ जय हिंद ज़रूर लिखें और अपनी प्रॉब्लम्स को भी लिखें, लेकिन साथ में ज़रूर जय हिंद लिखें। सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ये देखिए, जीकप ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर हर घर तिरंगा लगा दिया है 13 to 15 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ यार जय हिंद या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ज़रूर लिखिए। चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को जो रिज़ल्ट था वो देखिए, सीधा आप लोग देखिए नए अपडेट में अगर हम बात कर लें आप लोगों के इम्पोर्टेंट लिंक्स में, ये देखिए हमारा अपडेट कहाँ गया। ये दोस्तों एक सेकंड, अपने जीकप के अपडेट में उस अपडेट को हटा दिया गया है आई थिंक, बट आप लोगों का जो रिज़ल्ट था वो 18 जुलाई को आप लोगों का जो रिज़ल्ट था वो डिसाइड कर दिया गया। और आज की डेट है सुबह के 9 बज रहे हैं, मतलब आज की डेट जो है 9 तारीख है और सुबह अभी है, और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड आई थिंक आप लोगों को कोई जानकारी या अपडेट निकल कर नहीं आई है। तो आपके मन में डाउट है आपकी काउंसलिंग नहीं होगी या आपकी काउंसलिंग कब होगी, इस पेपर न्यूज़ कटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगी और लोगों के अकॉर्डिंग कब हो रही है आपकी काउंसलिंग, उसके बारे में हम प्रॉपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दोस्तों, पहले सबसे पहले आपका एक डाउट बड़ा क्लियर कर दूँ कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। दोस्तों, इस बार मुझे भी ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आपकी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन मतलब बहुत बड़ा दिन होता है कि आपकी काउंसलिंग ये जीकप वाले क्यों नहीं करवा रहे, बिकॉज बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसमें निकल कर आए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स निकल कर भी आए हैं जिनकी नंबर भी बहुत लो हैं, उनकी रैंक भी बहुत अच्छी है, तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक जीकप को लग रहा होगा कि कैसे हम सेलेक्शन करवाएँ। मतलब जहाँ पर हम लोगों की रैंक 200 नंबर पे 10,000 होती थी, वहाँ पर 200 नंबर पर 5,000 रैंक है, तो इसके अकॉर्डिंग जीकप को भी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि आई थिंक 200 पे 10,000 रैंक पर भी बहुत ईजिली कॉलेज मिल जा रहे थे स्टूडेंट्स को। तो इस बार तो कॉलेज इतनी ईजिली मिलने वाला है अगर आपकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, मैं खुद अपने आप में ही डाउट बना रखा है कि आप लोगों की काउंसलिंग इस बार होगी या नहीं होगी। आई थिंक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो तो बाद में निकल कर आएंगे, डोंट वरी। वो तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग तो होगी, बट इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो भी होगा वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और भी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर पूछते रहिए। अब बात करें कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। दोस्तों, काउंसलिंग जो होगी ना वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसी के लिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। जो भी काउंसलिंग होगी, अपडेट होगी, नई अपडेट होगी, वो निकल कर आएगी। बहुत लोगों का न्यूज़ कटिंग आ रहा है कि आज गई, आज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग डेट ये है वो, कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आपको जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार बने रहना है, वहीं पर जो भी अपडेट निकल कर आएगा वहीं से निकल कर आएगा, और कहीं से आपकी अपडेट निकल कर नहीं आएगी। जो भी पेपर न्यूज़ कटिंग होते हैं वो भी फेक होते हैं, उन्हें एडिट करके आप लोगों को परेशान करने के लिए मतलब बनाया जाता है वीडियोस, तो उनमें आप बिल्कुल उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। आई थिंक मैं यही सोचता हूँ आप लोगों के लिए। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नई अपडेट होगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बनवा कर रखिए। काउंसलिंग तो होगी, ये 99% क्लियर है कि आपकी काउंसलिंग होगी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई और हो।
आई थिंक कोई नया इशू हो उनके पास, कोई टेक्निकल इशू चल रही हो, या सत्र इतना पीछे ना हो, इसकी वजह से जो भी है दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट अब आएंगे उनको मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। बस इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि काफ़ी दिनों से चैनल पर कोई वीडियो नहीं पड़ रहा था और आप लोगों जो व्यूअर्स हैं वो परेशान हैं बेचारे कि क्यों कैसे क्या होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा कर रखिए, अपने पेशेंस को बना के रखिए, जब भी जैसा अपडेट होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।